गोविंदा मेरा नाम के अंदर गोविंदा और उसकी बीवी का बॉयफ्रेंड, गोविंदा की गर्लफ्रेंड, काम वाली बाई और इंस्पेक्टर दया और इनके साथ छोटे मोटे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स जो कि अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। गोविंदा की बीवी का बॉयफ्रेंड है और वो इससे तलाक लेना चाहती है और गोविंदा की भी गर्लफ्रेंड है जो कि इसके कोरियोग्राफर बनने के बाद इससे शादी करना चाहती है और इसकी बीवी तलाक लेने से पहले इससे 2 करोड़ लेना चाहती है और इस सारे झंबेले के दौरान गोविंदा के बंगले पर एक मर्डर हो जाता है। पुलिस इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने में लगी रहती है और इस मूवी को फनी टून देने के लिए राइटर्स ने हक दिया है, यानी इस मूवी में एक्टर्स के सिवा और कुछ भी अच्छा नहीं है। बीच बीच में ट्विस्ट आते रहते हैं जिसकी वजह से मूवी में इंटरेस्ट बना रहता है और ऊपर से इसके गाने भी अच्छे थे क्योंकि इनके अंदर में बॉलीवुड के किसी न किसी एक्टर का कैमियो नजर आ जाता है। विक्की कौशल को हमने पहली बार कॉमेडी रोल के अंदर देखा है और मैं इसे और भी देखना चाहता हूं और ऊपर से इस मूवी का क्लाइमेक्स को देखकर गूस बम्स आ जाते हैं और आप इस मूवी को फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। खैर ये थे मेरे ओपिनियन गोविंदा नाम मेरा को लेकर। आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट में जरूर बताएं या फिर कुछ भी देखकर या सुनकर मजा आया हो तो सब्सक्राइब तो कर ही देना इस चैनल को।